वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि बहुत सारे कवायद खामोश हैं और बहुत सी रवायतें बन चुकी हैं। माजी में 6 से 7 जनरल तोसी लेते रहे, किसी ने पूछा तक नहीं। अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम दलाइल दे रहे थे। लाड़काना सिंध रेंजर 51 विंग की जानिब से आर्ट्स काउंसिल लाड़काना में मुनाकिद मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह रेंजर के विंग कमांडर कर्नल महमूद ने किया। कैंप में आंखों के अमराज में मुब्तला सैकड़ों खवातीन, बच्चों और बूढ़ों ने शिरकत की। कैंप में इंग्लैंड और कराची से आए माहरीन मौलजीन की जानिब से 100 आई लेजर, 3 रिटाइना, 9 लेजर के ऑपरेशन किए गए, जबकि 200 शुगर और 200 हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के मुफ्त टेस्ट करते हुए इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। मुरीद के शहर की आबादी तार बाजार में गली में खेलते बच्चों पर आवारा कुत्तों का हमला, 3 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां मुबैना तौर पर कुत्तों के काटने की वैक्सीन ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद अमार आसिफ से राब्ता किया गया तो उन्होंने मौकफ देने से इनकार कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी बन्नू की बरवक्त कार्रवाई, काल अदम तंजीम के लिए चंदा इकट्ठे करने और मंशियात फिरोश करने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के कई मुकदमात में मतलूब था, मुलजिम से मंशियात भी बरामद कर ली गयी। गुज़श्ता रोज हरिपुर में आज़ादी मार्च के तसलसल को जारी रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर जुल्फिकार कुरैशी की रिहाइश गाह पर रहबर कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आल पार्टीज मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि हरिपुर में भी जुमेरात के रोज दोपहर 2 बजे एहतजाजी मुजाहरे के अलावा रैली निकाली जाएगी। इस मौका पर मुकर्ररीन ने नार्वे में कुरान पाक को जलाने वाले वाक़े पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हम तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं और कभी किसी मजहबी किताब की तौहीन नहीं की। नार्वे एक ऐसा मुल्क बन रहा है जहां पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही, मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।